नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के भी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टेटिक जीके से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज का भाग दो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उस वीडियो में किसी ने ये कमेंट किया था कि कंप्यूटर का भी प्रश्न होना चाहिए, तो कंप्यूटर के प्रश्न आपके ग्रुप डी में नहीं पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल के वे गुरु जी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है। तो मुद्राएं काफ़ी पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। बोत्सवाना की मुद्रा का नाम पुला है, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं बोत्सवाना जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है, कैपिटल इसकी गैबरोन में है और यहां की जो मुद्रा है इसका नाम है पुला। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोक्सवेसी मसीसी इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। लोकेशन आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है और इसके ऊपर आपको मिलेगा बोत्सवाना। अगला प्रश्न है कि कुलदीप यादव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुलदीप यादव ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ये कई बार पूछा जा चुका था ग्रुप डी में और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम वॉरियर्स नाम की पुस्तक है इसके लेखक है पीएम नरेंद्र मोदी। कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी हमारे इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो दोनों के लिए मेरी सेपरेट क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर भी होती हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करिए, अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करिए और यहाँ पर आप मेरी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी की लाइव क्लास की खास बात ये होती है कि जैसे अगर आप लोग YouTube पे लाइव क्लास देते हैं वहाँ पर प्रश्न के बाद में आपको पोल का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अनअकैडमी पे आपको पोल का ऑप्शन मिलता है। पोल में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उसके बारे में आपको पता चल जाता है और जितने भी लोग थे उनमें आपके रैंक क्या है ये भी आपको पता चल जाता है। तो एक प्रकार से वो लाइव टेस्ट ही होता है, तो टेस्ट में आप लोग हिस्सा जरूर लिया करिए। अनअकैडमी के ऊपर अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं और वो भी हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके माध्यम से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी कोर्स यहां पर खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली आप यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर आपको यहाँ पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए और जो भी कोर्स आप खरीद रहे हैं उस पर मेरी तरफ से आपको 10% का कैशबैक भी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838443100, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा जो किसी अन्य कोड के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो वो भी आप लोग इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जनसाधारण की भाषा डैश डैश का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, अपने उपदेशों में इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान से जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमको जो आकाश नीला दिखाई देता है उसका कारण होता है हमारा जो इन्वायरमेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में डेंसिटी अलग अलग होती है, उसके कारण जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और इसी के कारण से हमको नीला दिखाई देता है आसमान। लेकिन अगर आप लोग पृथ्वी से एक बार बाहर चले गए यानी कि एटमॉस्फेयर से आपने बाहर चले गए तो फिर जो हमारा यहाँ पर आपका आसमान होगा वो दिखाई देगा काला। तो अंतरिक्ष यात्री को ये काला में दिखाई देता है, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुल्लीकल्ली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो ध्यान रखेंगे, पुल्लीकल्ली की बात करें तो ये है केरल का, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो आपके केरल में ओणम नाम का त्यौहार होता है उस त्यौहार के अवसर पर ये आपका डांस किया जाता है, तो ऑप्शन यहां पर केरला हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार के सुधार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग सभी उत्तरों को देखेंगे तो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा पंडिता रमाबाई। ठीक है, वैसे काम तो आपके सरोजनी नायडू और सावित्रीबाई फुले ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो पंडित रमाबाई ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है, हमारे देश की ये पहली महिला हैं जो कि संस्कृत के स्कॉलर थीं और इन्हें पंडित का टाइटल मिला हुआ था। यानी कि पंडित का टाइटल अक्सर आपके पुरुषों को ही मिलता था, लेकिन ये पहली महिला थी जिनको ये टाइटल मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बुल और बियर शब्द कहाँ पर यूज किए जाते हैं? अब देखिए वो बियर पीने वाला आपका नहीं है, बुल का मतलब होता है कि जब हमारे शेयर बाजार में शेयर के जो प्राइस होते हैं वो ऊपर उठते हैं तो इसे कहा जाता है बुल, और जब शेयर के प्राइस आपके नीचे गिरते हैं तो इसे कहा जाता है बियर। स्कैम 1992 में आपने जरूर देखा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है? अब देखिए वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो K2 जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं जो कि आपके POK में है, वो हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम लोग अनडिस्प्यूटेड की बात करते हैं तो ये हमारा है कंचनजंघा। कौन सा है? कंचनजंघा है, और ये आपके हैं सिक्किम में। तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये आपका 2002 से ही दिया जा रहा है। कब से? 2002 से ही दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार अभी तक दिया जाता था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था भारत रत्न, खेल रत्न, जो कि राजीव गांधी जी के नाम पर था। तो ये जो राजीव गांधी जी के नाम पर था खेल रत्न, उसको भी ध्यानचंद जी के नाम पर ही कर दिया गया है। तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपका दूसरा है और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दूसरा है। तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु और सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और किसके द्वारा हुआ था? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि मनात किस देश की मुद्रा है? अब मनात की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुद्रा आपके है अजरबैजान की। कहाँ की है? अजरबैजान की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए एंडोरा की बात करते हैं तो ये पिछले साल IMF का 190वें नंबर का सदस्य बना था। यूरो यहाँ की मुद्रा है, यानी कि यूरोप की ये कंट्री है। आर्मेनिया की बात करते हैं तो एरेवन यहाँ की राजधानी है, ड्रम यहाँ की है मुद्रा। अल्बानिया की बात करते हैं तो तिराना यहाँ की है राजधानी, और लेक यहाँ की है मुद्रा। अजरबैजान आप लोग देख सकते हैं बाकू कैपिटल है, और मनात यहाँ की है करेंसी। अगला प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी कि जो इमरजेंसी लगा था, वो किसके शासनकाल में लगा था? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, ये लगा था इंदिरा गांधी जी के काल में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो 1975 से 77 तक लगभग 2 वर्षों तक ये आपका आपातकाल चला था, और संविधान के अनुच्छेद 352 का यूज यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया था? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका वृक्ष है ये साल का वृक्ष था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? केरल में है। कहाँ पर है? पेरियार आपके केरल में है। तो परम्बिकुलम और पेरियार दो ही टाइगर रिजर्व हैं केरल में, तो दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ पर थी इनकी राजधानी? तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान पटना में थी। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपके पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब मध्यकाल के समय में बहुत सारे यात्री हमारे भारत देश में आते थे तो उस समय उनके द्वारा राजाओं की प्रशंसा में कुछ कविताएं वगैरह लिखी जाती थी, यानी कि चाटुकारिता की जाती थी राजाओं की, जिससे उनको कुछ पुरस्कार वगैरह मिला करे, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है क्रॉनिकल, या हिंदी में इसे कहा जाता है इतिवृत्त। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो ममता दीदी की बात करें
तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसी की हमारी ये मेंबर है, यानी कि उसी की ये संस्थापक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसका चुनाव निशान आपका है जोहरा का फूल, इसकी स्थापना ममता दीदी के द्वारा 1998 में की गई थी और ममता दीदी हमारे इस समय बंगाल के सीएम भी हैं, तीसरी बार इसी साल बनी है। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्देश्यों के कथन यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजुलेशन को प्रस्तुत किया गया था? तो इसे प्रस्तुत किया था हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें आपके ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में लिखी गई थी, बाद में इसी को हमारे संविधान का प्रियम्बल बना दिया गया, यानी कि प्रस्तावना बना दिया गया था। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो घड़ी की बात करते हैं तो ये आपकी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, यानी कि जो शरद पवार साहब वाली पार्टी है जिसे आप लोग NCP कहते हैं, उनका चुनाव निशान है यहाँ पर घड़ी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी दीदी जी की बात करें यानी कि मायावती की, तो इनका चुनाव निशान है हाथी, कांग्रेस का है पंजा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का मैंने बता दिया जोहरा फूल है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ये प्रश्न से मैं पक चुका हूँ, मतलब ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे थे बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट थे राज्यसभा कवि। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है मिन्स्क। यूरोप का एक देश है बेलारूस, राजधानी यहाँ की है मिन्स्क। अच्छा, ब्रसेल्स कहाँ की है? तो ये बेल्जियम की कैपिटल है। और बाकू की बात करें तो ये है अजरबैजान की। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत को आप कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं? तो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग यहाँ पर 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अब 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, आपका पहले पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद में जो हमारा मैदानी भाग है, फिर हमारा प्रायद्वीपीय भाग हो गया, फिर हमारा रेगिस्तान है, उसके बाद में आपके तटीय जो प्लेन है उनकी बात हो रही है, और फिर आपके हो जाते हैं द्वीप। तो कुल 6 भाग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1998 में जब पोखरण सेकंड हुआ था तो उस दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पोखरण सेकंड आपका 1998 में हुआ था, पोखरण फर्स्ट की बात करते हैं तो ये 1974 में हुआ था। तो इस समय आपके जो PM थी वो थी इंदिरा जी और आपके 1998 में PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है कि मोहिनी एट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी में भी एट्टम शब्द आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये आपके केरल से संबंधित है। तो मोहिनी एट्टम की बात करते हैं, क्लासिकल डांस है और ये हमारे केरल से ही संबंधित है। सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है वो बाली और हसिया है? तो ध्यान रखेंगे, बाली और हसिया जो चुनाव निशान है ये आपके है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। देख सकते हैं बाली और हसिया इनका चुनाव निशान है। इसी से अलग होकर के एक आपका बन गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि जिसे आप लोग CPIM के नाम से जानते हैं, तो इनका चुनाव निशान है हसिया और हथौड़ा। तो ध्यान रखेंगे, इसी से इस समय केरल के CM है पिनरई विजयन साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो यह 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक में जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाए। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब देखिए, मसालों की बात करते हैं, मसाला मतलब गुटखा की नहीं, मसाला का मतलब होता है जो आपके सब्जी वगैरह में डाले जाते हैं। तो मसालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मसाले हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं केरल में, और केरल में जो कोच्चि है वहीं पर आपको स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में 100%
सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इस शहर का नाम है यहाँ पर दीव। क्या नाम है? दीव इस शहर का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रानी रामपाल। तो महिला हॉकी टीम की ये कप्तान है, इन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारा देश भारत SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश कब बना था? तो SCO का सदस्य देश भारत आपके पाकिस्तान के साथ ही बना था 2017 में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी SCO की बात करते हैं तो ये आपका बना था 2001 में। हालांकि संघाई फाइव ग्रुप के नाम से ये 1996 में ही बना था, लेकिन इसका नाम SCO हुआ था 2001 में। अगला प्रश्न है कि आदि पिरप्पू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। आदि पिरप्पू होता है तमिलनाडु में, और जो हमारा मानसून का सीजन होता है उस दौरान जो भी आपके स्रोत होते हैं, खासतौर पर वर्षा के यानी कि जल के स्रोत होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, प्रश्न वैसे आपके थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, इसको मैंने बदल दिया है। अब पूछा जा रहा है तो ध्यान देंगे, हाई कोर्ट की हमारी पहली महिला जज अन्ना चंडी हैं, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज हैं फातिमा बीवी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला CJI हैं निधि शेख हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हाई कोर्ट की पहली महिला CJI लीला सेठ है, ठीक है। तो बाकी आपके सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। सी वाला यहाँ पर हो जाएगा इनकरेक्ट, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा -- भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम था अमरकोश। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा संस्कृत भाषा में था, नाम से ही आप समझ सकते हैं अमरकोश नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि -- त्रिपुरा की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपको मिलेगी अगरतला में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दिसपुर कहाँ की है? तो दिसपुर आपके है असम की, ये भी ध्यान रखिएगा। और गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो ये सिक्किम की है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में जो मोर्ले मेंटो सुधार है ये किस वर्ष पारित किए गए थे? तो मोर्ले मेंटो सुधार की बात करते हैं तो ये 1909 में आए थे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि मोर्ले मेंटो रिफॉर्म, जिसे आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, ये 1909 में आपका लाया गया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? जाहिर सी बात है, ये खिलाफत आंदोलन था। और बाद में गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो वो असहयोग आंदोलन था, उसको भी इसी के साथ में कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो बैंक की ब्याज दरें होती हैं वो निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? तो ये निर्धारित करता है RBI। आपने देखा होगा रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, तो ये जो सारे रेट वगैरह होते हैं ये RBI घोषित करता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से -- का हिस्सा था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग मेघालय की बात करते हैं तो ये हमारे असम का पहले हिस्सा था। किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। 1970 में ये अलग होता है और बाद में भारतीय संघ में एक नए राज्य के रूप में 1972 में इसको शामिल कर लिया जाता है 21 जनवरी को। तो ध्यान रखेंगे, असम का ये पहले हिस्सा था मेघालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संगम काल के महाकाव्य सिलप्पीदिकरम और मणि मेकलई किस भाषा में लिखे गए थे? तो नाम से ही आप लोग थोड़ा अंदाजा लगाइए, सिलप्पीदिकरम और मणि मेकलई, तो ये दोनों हमारे किस में है? तमिल भाषा के हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, तमिल भाषा के अगर हम लोग ग्रेट इपिक्स की बात करें तो इनकी संख्या टोटल है 5। मैंने आपको बता दिया सिलप्पीदिकरम और मणि मेकलई, इसके अलावा सिवाका चिंतामणि है, वलायापथि है और कुंडल केसी है। तो ये भी आपके इपिक्स हैं तमिल भाषा के। तो ध्यान रखिएगा, डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनको पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो विचार था ये हमने प्रेरित किया था, मतलब ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच के जो भी प्रावधान हैं वो मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन है, तो इस बागड़ बिल्ले का नाम आप सभी को अच्छे से पता होगा। नाम क्या है? तो इनका नाम है अर्नो गोस्वामी। तो भाजपा की सरकार बनने के कुछ सालों के बाद ही इस चैनल का गठन हुआ था। नाम इसका है रिपब्लिक टीवी और इसके आपको कई सारे अन्य भाषाओं में चैनल भी मिलेंगे। और इसके जो मुख्य संपादक हैं या ओनर हैं, नाम इनका है अर्नो गोस्वामी, जिन्हें हम लोग बागड़ बिल्ला के नाम से भी जानते हैं। तो पूछता है भारत इनका एक बहुत ही फेमस शो है, जिसमें भारत जो चीज़ें नहीं पूछता है उसी के बारे में ये लोगों से पूछते हैं। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दशगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आसान सा है, दशगम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये इतना आपका जम्मू कश्मीर है, ये ऊपर वाला है लद्दाख। तो देखिए यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में दशगम मिलेगा, उसके बाद में नीचे आएंगे तो सलीम अली मिलेगा, और उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो किश्तवाड़ मिलेगा। एक हमारे देश का जो सबसे बड़ा था वो अब चला गया लद्दाख में, और इसका नाम है हिमेश नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा हिमेश के बारे में, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का जो सुझाव है वो सबसे पहले कहाँ पर दिया गया था? अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टफ हो सकता है। एशियाई खेल जो पहले हुए थे वो हुए थे 1951 में। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। तो इसके बारे में जो सबसे पहला सुझाव है वो 1947 में जो एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उस दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो ये है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। किससे हैं? जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी पार्टी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1999 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मगही। मगही पान भी आपने खाया होगा, तो मगधी को आप लोग मगही भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है, यानी कि डेमोक्रेसी आपको कहाँ पर नहीं मिलेगी? तो देश का नाम है चाइना। क्या नाम है? चाइना नाम है। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी? तो इस दल का नाम था गुलाबी गैंग। क्या नाम था? गुलाबी गैंग नाम था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों में डैश डैश भाषा का प्रयोग हुआ है, तो उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें यूज हुआ है संस्कृत भाषा का। किसका यूज हुआ है? संस्कृत भाषा का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कितने उपनिषद आपके हैं? तो इनकी संख्या 200 है, लेकिन मुख्य उपनिषद आपके 13 या 11 ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अपनी तरह का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है ये किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये जो महिला व्यापार केंद्र है ये केरल में खुला था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च नहीं किया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 में 3 देशों ने लॉन्च किया था। अमेरिका का था मार्स 2020 मिशन, यूएई का था होप मिशन, और चाइना का था तियानवेन वन मिशन। ठीक है, तो ये तीनों ने लॉन्च किया था, रूस का ऐसा कोई मिशन नहीं था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। जबकि हमारा जो मार्स मिशन है उसका नाम था मंगलयान, और उसको हमने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 में जो एशियन गेम होंगे इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अच्छे से याद रखिएगा 2030 वाला होगा कहाँ पर? कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में इसका आयोजन होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला साल यानी कि 2022 में चीन के हांगझोउ में होगा, 2026 में जापान के नागोया में होगा, 2030 में होगा कतर में, और 2034 में होगा सऊदी अरब में। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो विशेष भृगुवंशी की बात करते हैं तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो विशेष भृगुवंशी ये हमारे कप्तान भी रहे थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सतनाम सिंह हो गए, अमित जोत हो गए, अमृतपाल सिंह हैं, प्रिंसपाल सिंह हैं, ये सारे हमारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल होता है 9 अगस्त को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डी में आपके थीम नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने जो 135 सेट देखा है
उसमें किसी में भी आपके इंपॉर्टेंट डे का थीम नहीं पूछा गया है, तो थीम के ऊपर आप लोग कम ही फोकस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये दिवस होता है 9 अगस्त को, बस आपको अगस्त मतलब डेट ही याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि ज्वार बाजरा और रागी इनको एक साथ किसके रूप में जाना जाता है, तो इनको एक साथ हम लोग मोटे अनाज के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा 2023 का जो वर्ष है इसको भारत के मदद से UNGA के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया जा चुका है, तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ होता है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने में -- में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जुलाई में पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। और ये शुरुआत की थी KM मुंशी साहब ने, किसने? KM मुंशी ने शुरुआत की थी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि SBI के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसने विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है, तो यू ओनली नीड वन। क्या है? यू ओनली नीड वन, तो ध्यान रखिएगा योनो इसे कहा जाता है, योनो लाइट भी आपको मिल जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जसवीर सिंह की बात करें तो ये हमारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो अजय ठाकुर हैं, प्रदीप नरवाल हैं, दीपक निवास हुड्डा हैं, अनूप कुमार हैं, ये सारे हमारे यहाँ पर किसके खिलाड़ी हैं? कबड्डी के। सी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो शतरंज की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर 2001 में बनी थी, नाम इनका है सुबलक्ष्मी विजय लक्ष्मी, सुब्बा राव विजय लक्ष्मी नाम है, डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा पहले कौन है, तो 1988 में बने थे, नाम उनका है विश्वनाथन आनंद। अगर हम अपने भारत के सबसे युवा की बात करते हैं तो उनका नाम डी केस है, दुनिया के सबसे युवा की बात करते हैं तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा जो कि इसी साल बने हैं और वो हैं अमेरिका के, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूना संधि के ऊपर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था, तो पूना पैक्ट हुआ था हमारे गांधी जी और उस समय जो आपके थे नाम उनका है भीमराव अंबेडकर साहब, तो ये जो समझौता है ये हुआ था 1932 में, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है, तो जाहिर सी बात है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है भारत नेट परियोजना। क्या नाम है? भारत नेट परियोजना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा ये परियोजना है क्या? तो इसके माध्यम से हमारे गाँव के जो 6 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं उनको आपस में हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है, तो देखिए 4 महान सच्चाइयां बताई गई थी, उनमें से ऑप्शन सी यानी कि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों का निवारण हो सकता है, ये यहाँ पर सच्चाई में शामिल नहीं है, सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये 4 सच्चाइयां हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन सच्चाइयों से मतलब मुक्ति पाने का ये आपके 8 अष्टांग मार्ग भी हैं, इन्हें भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखेंगे जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था 1992 वाला इससे आया था पंचायती राज, और जो आपका 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा आपका आया था नगर पालिका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे फ्लिपकार्ट में जो हिस्सेदारी है उसको खरीद लिया था वॉलमार्ट ने 2018 में, तो फ्लिपकार्ट की जो वर्तमान में पेरेंट कंपनी है वो हो गई है वॉलमार्ट, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा हुआ है, तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने। किसने लिखा है? APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स भी आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ट्रांसेंडेंस भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नेपच्यून के अलावा कौन से ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर समुद्र यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है जिससे आपको ये नीले रंग का दिखाई देता है स्पेस से, और इसी कारण से इसे कहा जाता है नीला ग्रह, तो नेपच्यून को कहा जाता है और हमारे पृथ्वी को भी कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा नेपच्यून को क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपच्यून पे आपको मिलेगा मेथेन, और मेथेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कारण जो ये ग्रह है वो ब्लू दिखाई देता है, और इसी के कारण यहाँ पर ये आपका होता है नीले रंग का, तो नेपच्यून आपका नीला और पृथ्वी भी है नीला। अगला प्रश्न है कि साइटियस, LTS और फोर्टियस लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है तेज, उच्च, मजबूत,
ये कौन से खेलों का आधिकारिक वाक्य है? तो बिल्कुल आसान है, ये आपके ओलंपिक खेलों का है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक संवैधानिक निकाय या पद नहीं है? देखिए, जब हम लोग संवैधानिक निकाय या पद की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि उस पार्टिकुलर निकाय या पद के बारे में हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो 148 अनुच्छेद है, सॉरी 76 अनुच्छेद है। कैग के आपके 148 है, वित्त आयोग का 280 है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो छापर मेले की बात करते हैं तो भैया ये आपके होता है कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब छापर से कई बार लोगों को लगता है छपरा जिला, तो छपरा जिला भैया हमारे बिहार में है, और अगर हम लोग छापर मेला की बात करें तो ये आपका होता है पंजाब में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे टोटल ये 7 कैटेगरी में दिया जाता है, पिछले साल 7 कैटेगरी में ये 14 लोगों को मिला भी था, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, उसके अलावा इंजीनियरिंग साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, और एक हमारा है अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेज। तो कुल 4 कैटेगरी हैं जिनमें ये दिया, 7 कैटेगरी है जिनमें दिया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा हमारे देश की जो उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, उसको ये जोड़ता है बांग्लादेश से, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस ध्यान रखिएगा ये आपका फेनी ब्रिज है यहाँ पर बना हुआ है और ये आपके त्रिपुरा को जोड़ता है बांग्लादेश से, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में एक डैश डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका होता है धूमकेतु, जिसे कहते हैं कॉमेट्स। क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो जातक कथाएं हैं इनमें किस भगवान के जन्म और उनके जीवन से पूर्व का वर्णन मिलता है? तो जातक कथाओं में आपको मिलेगी भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा इन नेता का नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है? लाला लाजपत राय नाम है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, एक हमारी केसरी नाम की पत्रिका थी, तो वो जो पत्रिका है उसको निकाला था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन अगर हम लोग पंजाब केसरी की बात करते हैं तो इस नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे, ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1928 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था देवदास पारू, तो देवदास जो आपकी मूवी है इसके निर्देशक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसे निर्देशित किया था नरेश मित्रा ने। किसने किया था? नरेश मित्रा ने इसको निर्देशित किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश के कारण जो आकाश में तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आसमान हमको नीला क्यों दिखता है, जो हमारा वायुमंडल है उसी के कारण ये दिखाई देता है, तो वही हमारा कारण होता है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जो लाइट के रिफ्लेक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर से उसी के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो किस फल की एक किस्म है? तो अल्फांसो को GI टैग भी मिला हुआ है और ये एक आम की किस्म है, कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बिहार का भी एक आम है, मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो जरा नीचे कमेंट में बताइएगा कि बिहार का वह कौन सा आम है जिसको GI टैग मिला हुआ है, नीचे कमेंट में आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग आपकी उत्तर कोरिया की है। किसकी है? किम जोंग उन वाले की है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। जबकि दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी वो आपको सियोल में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से आरक्षित रहता है? अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूँ इन जनरल। देखिए, एक आपका बड़ा सा क्षेत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जीवमंडल निचय कहा जाता है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व में ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है और इसी के अंदर आपको मिलता है राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपके बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें बना करके प्रोटेक्ट किया जाता है, नेचुरली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें जो जानवर होते हैं वो आपके नेचुरली मतलब
संरक्षित किए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरी जो कृषि होती है इसका अन्य नाम क्या है। तो स्थानांतरी कृषि की बात करते हैं तो इसे आप लोग झूम खेती कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जबकि हमारे बहुत सारे अन्य राज्य हैं जहां पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर दीपा कहा जाता है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, राजस्थान में इसको बन्ना कहा जाता है। तो ये नाम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साकेत साई माइनिनी ये आपके किस खेल से संबंधित है बताइए। तो ये हमारे यहाँ पर किसके खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये सारे हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं और साकेत साई माइनिनी भी टेनिस के हैं, तो आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल की बात करते हैं तो ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा ईरान की मुद्रा भी है, ओमान की है, यमन की है, मोरक्को की है, ट्यूनीशिया की है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारी रियाल एक ही हैं, देखिए मुद्रा का नाम एक है लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि रुपया नाम से 8 देशों की मुद्रा है लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसी प्रकार से ये भी है, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है। तो एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो इसके हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। इसी साल ये एक बार फिर से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक मिनट ये तो मैं पीछे आ गया, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन आप सभी को पता होगा लॉर्ड कर्जन ने करवाया था 1905 में, और 1911 में ये हो गया था रिस्टोर। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा T20 में हैट्रिक लेने वाले ये पहले भारतीय गेंदबाज हैं और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को डैश डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को आप लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो चाहे काली कहिए या रेगुर कहिए दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न है कि महावीर डैश डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जी की बात करते हैं तो ये हमारे 24वें नंबर के थे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा टोटल जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले हैं ऋषभदेव जिनको संस्थापक भी माना जाता है, और जैन का मतलब होता है जिन, यानी कि इसका मतलब होता है विजेता। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी के बारे में कि ये 24वें नंबर के आपके तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि डैश डैश उपनिषदों में से डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उपनिषद बहुत सारे हैं जिनमें से 108 इनकी संख्या मानी जाती है, और इसमें से भी आपके 11 माने जाते हैं मेन, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये 11 आपके मेन हैं, वैसे इनकी टोटल संख्या होती है 108। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है ये कितनी है। तो ध्यान रखिएगा ये जो अवधि होती है ये होती है 5 सालों की, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनकी 6 सालों की होती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लगातार 3 IPL खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है। तो वैसे ये 5 जीत चुके हैं, 3 इनके लगातार रहे हैं, नाम इनका है यहाँ पर रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा नाम है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो मुंबई इंडियंस नाम की टीम है उसके ये कप्तान हैं, पिछले साल का जो IPL हुआ था वो भी इन्होंने ही जीता था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका रोहित शर्मा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो बिंदु है वो आपके केरल में मिलेगा, नाम इसका है कुट्टूनाड। क्या नाम है? कुट्टूनाड नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जिन्होंने यहाँ तक देखा है उनको मैंने बताया हुआ था कि लद्दाख में एक स्थान है जो कि आपके भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, तो उसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं ये कौन है। तो बिल्कुल आसान सा है, वर्तमान अटॉर्नी जनरल है KK वेणुगोपाल, और इनके सहायक के लिए एक हमारे सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जिनका यहाँ पर नाम है तुषार मेहता, तो दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो भी चीज़ आपकी पुरानी हो जाती है उसे आप लोग कहते हैं भंगार, तो इसे कहा जाता है भांगड़, ठीक है, इसे कहा जाता है भांगर, और जो नई होती है उसे कहा जाता है खादर, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का रामसर स्थल नहीं है। तो हरिके वेटलैंड की बात करते हैं, पंजाब का रामसर स्थल है, गोविंद सागर आपके उत्तर प्रदेश में है, आर्टिफिशियल लेक है लेकिन ये रामसर स्थल नहीं है, सो मोरिरी की बात करते हैं तो ये आपके वहाँ पर मिलेगा लद्दाख में, और रेणुका झील की बात करते हैं तो ये हमारे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है और ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण थर्ड किस देश में स्थित है। तो ये आपको मिलेगा नेपाल में,
और भारत की मदद से इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा सहतूत बांध के बारे में, जो कि हम लोग अफगानिस्तान में बनाने वाले हैं, उसी प्रकार से जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणथल, इसे हम लोग नेपाल में बना रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है डबलिन में। कहाँ पर है? डबलिन में है। बाकी यूके में आपके बाकी सारे आ जाते हैं, और यूके की राजधानी आपको मिलेगी लंदन में, तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागपुर डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर की बात करते हैं तो ये हमारा संतरे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब देखिए ज्वार भाटा की बात करते हैं तो इससे भी आप ऊर्जा ले सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा जिसे कहते हैं। परमाणु नाभिक में आपकी ऊर्जा होती ही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपको बहुत ज़्यादा तापमान मिलेगा, तो यहाँ से भी आप ऊर्जा ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी भूमि सींची हुई है यानी कि जो आपकी मिट्टी है उससे कोई ऊर्जा आप लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो व्यपगत के सिद्धांत की बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये उस समय वायसराय भी थे, गवर्नर जनरल थे हमारे देश के, तो ये व्यपगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से जुड़े हुए हैं, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय आईटी उद्योगपति और एक बहुराष्ट्रीय निगम के साथ संस्थापक है, जो कि व्यापार परामर्श प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं? तो नाम इनका है आर एन नारायण मूर्ति। क्या नाम है? एन आर नारायण मूर्ति नाम है, और जो हमारी इन्फोसिस नाम की आईटी कंपनी है देश की, उसके ये संस्थापक हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो एक दो बार आप वीडियो भी देख सकते हैं पूरा, या फिर आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।